जांजगीर चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिला स्तरीय कोविड 19 कोर कमेटी की दैनिक बैठक में कहा कि होम आइसोलेशन के मरीजों की निगरानी के लिए पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया रक्षा ऐप बहुत ही उपयोगी है। स्वास्थ्य विभाग की अनुमति से होम आइसोलेशन के उपचार करवा रहे मरीजों की सूची पुलिस विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध कराने के निर्देश CMHO को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से मरीजों की निगरानी बहुत ही आसानी से हो रही है। कलेक्टर ने कोविड केयर सेंटर व कोविड हॉस्पिटल के प्रभारियों से कहा कि वे प्रतिदिन भोजन की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखें। गुणवत्ताहीन भोजन की शिकायत मिलने पर संबंधित वेंडर को तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद शव के लिए वाहन उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत को गंभीरता से लिया। कलेक्टर ने स्वीपर द्वारा असुरक्षित ढंग से पैक कर डॉक्टर की अनुमति के बगैर परिजनों को शव सौंपने पर स्वीपर के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश CMHO को दिए हैं। वहीं कहा कि निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी। साथ ही सिवनी में प्रवेश मार्गों पर गड्ढा खोदकर आवागमन रोकने की कलेक्टर ने तारीफ की। बैठक में जिला पंचायत CEO तीर्थराज अग्रवाल, CMHO डॉक्टर SR बंजारे सहित कमेटी के सदस्य उपस्थित थे।